हालेलुया, परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। कितने थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने रूम में एक स्वर्गदूत को देखा और अभी आप सेवकाई में चेंज को पाओगे। आमेन। कितनों को याद है मैंने आपको बताया था, उस समय कुछ लोगों को बातें मेरी समझ नहीं आती कि दूत को देखने के बाद आप सेवा में चेंज कैसे देख सकते हो। जब दूत आपके सपने में आना शुरू हो जाए और रियल तरीके के साथ आपको दिखने शुरू हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर की अगली प्लानिंग आपकी जिंदगी में पूरी होनी शुरू हो चुकी है और वो जल्दी आपको नजर आ जाएगी। आमेन। दूत का आना आम बात नहीं है। अगर आप दूत की बात करो, बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह 40 रोजे रख के जब वो प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल में लिखा है जब प्रार्थना हो गई, रोजे खत्म हो गए, तो 40 रोजों के बाद शैतान इसलिए आया कि परमेश्वर की सारी की गई मेहनत को व्यर्थ कर दे और परमेश्वर को परखे और उसे परख में गिरा दे। आप महसूस करते हो कि 40 रोजों के बाद, अगर प्रार्थना करने के बाद, एक बड़ी परमेश्वर से सामर्थ लेने के बाद, अगर शैतान परमेश्वर को परखने के लिए आ सकता तो आप और मैं क्या है। वो परमेश्वर को इसलिए परखने के लिए आया कि जो मेहनत यीशु मसीह ने की है, 40 दिन रात के रोजे और उसके बाद पिता के साथ इतना 30 सालों का जो संबंध यीशु मसीह का पिता के साथ रहा है और अब परमेश्वर इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। एक बात को याद रखना, जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम पीक लेवल पे चली जाए, हाई लेवल पे चली जाए, समझो उसका हल नजदीक आ चुके हैं। आमेन। जब आपकी आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी तंगी है, वो हम ऊपर के लेवल तक चले जाए, समझो उसका हल आपके पास आने वाला है। आमेन। अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखें तो परमेश्वर उस समय शैतान उनके मन में ये शक, शैतान शक से आता है, अपने पड़ोसी को बोलो, और परमेश्वर विश्वास से आते हैं। जहां शक होगा वहां शैतान होगा। आमेन। अगर आप ध्यान से बाइबल को स्टडी करें तो आपको समझ आएगी, अगर शक आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है तो इसका मतलब शैतान आपकी जिंदगी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपनी आत्मिक आंखों से नहीं, अपने शरीर की आंखों से देखें, अगर 40 दिन रात के रोजे रखने, 40 दिन रात कुछ ना खाने के बाद एक व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन यीशु मसीह जिंदा थे 40 दिन रात के रोजों के बाद भी, और लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने आकाश से परमेश्वर की आवाज को सुना। इससे बड़ा चमत्कार मेरे को नहीं पता कि बाइबल में अगर कोई है तो। आकाश से आकाशवाणी होनी कि ये मेरा प्रिय बेटा और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़े, आकाशवाणी होने के बाद शैतान परमेश्वर से ये कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा तो इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। तो क्या परमेश्वर को यकीन नहीं था कि वो परमेश्वर का पुत्र है या नहीं? हमें ऐसा लगता है कि जो दाऊद और एस्तर जैसे लोग थे वो आसमान से उतरे हुए लोग थे। वो भी आपकी तरह और मेरी तरह शक और विश्वास से जूझते और लड़ते हुए लोग थे। अगर यीशु मसीह को ये बात 100% फेथ था तो शैतान ने उन्हें परखने की कोशिश क्यों की कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। अगर तू परमेश्वर का बेटा है, शैतान ने यीशु मसीह के दिल में भी ये शक डालने की कोशिश की कि तू परमेश्वर का अगर बेटा है तो इन पत्थरों को रोटियां बना। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने शैतान को यह नहीं कहा कि शैतान थोड़े दिन पहले आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं, तू मेरे साथ कैसे बहस कर सकता है। शैतान को कभी बहस के साथ हराने की कोशिश मत करो, वो आपसे जीत जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में वचन नहीं है तो आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। वचन ना रखने वाला अपनी जिंदगी में इंसान उस घड़े की तरह है, अपनी ताकत से आप घड़ा भर तो दे तो दोगे, घड़े को सदा भरा नहीं रख सकते आप। कितनों को समझ आ रही है? अगर घड़े के नीचे शेक हो, अपनी ताकत से आप घड़ा भर तो सकते हो लेकिन घड़े को सदा भरा रख नहीं सकते आप। आप किसी को आशीष दिलवा तो सकते हो अपनी ताकत से, परमेश्वर से, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ है, आपके अंदर वो वरदान है, आपके अंदर वो परमेश्वर ने वो जीवन जो का जल दिया हुआ है। आप किसी को भर तो सकते हो लेकिन अगर उसके अंदर वचन नहीं है वो खड़ा नहीं रह सकता मसीह में। हालेलुया। अगर उसके अंदर वचन है तो एक दिन वो सारा पानी, सारा जो चमत्कार है वो नीचे टप 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 खत्म हो जाएगा एक दिन, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं। इसीलिए परमेश्वर 3-3 दिन, 4-4 दिन यीशु मसीह लोगों को वचन सिखाते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाते थे। जब पहाड़ी उपदेश आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर के वचनों को लोगों को बताते थे, कितना कितना देर उनको परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में सिखाते थे कि जो चमत्कार मैंने इनके जीवन में किया और जो मैं करने वाला हूं उसको ये संभाल सके अपने जीवन में। आमेन।
अगर वचन आपकी जिंदगी में होगा तो शैतान आपको परखने के लिए आएगा। ये सबके जीवन में है। ऐसा एक भी क्रिश्चियन, एक भी मसीही नहीं है जो यीशु मसीह में विश्वास करता है और शैतान उसे परखने के लिए नहीं आएगा, ये गलत है। और अगर आपकी जिंदगी में बाइबल का वचन संपूर्णता के साथ नहीं बसा हुआ और आप उसके वचनों को नहीं जानते तो शैतान जीतने वाला है आपसे। हो सकता है जो मेहनत आपने की उसे वो व्यर्थ कर दे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है आपको परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान रहना कि परमेश्वर का वचन किस बारे में चीज बोलता है। जो चीज प्रार्थना और सामर्थ के द्वारा मिले वो प्रार्थना और सामर्थ के द्वारा ही आपकी जिंदगी में बनी रह सकती है, पवित्रता के द्वारा ही आपकी जिंदगी में बनी रह सकती है। शैतान के पास हर चीज का तोड़ है लेकिन पवित्रता का उसके पास एक भी तोड़ नहीं है। वो हर चीज का जवाब दे सकता है लेकिन पवित्रता का आपको जवाब नहीं दे सकता। इसलिए सबसे ज्यादा शक डालने का उसका कारण क्या है कि आप पर की व्यवस्था से हटें और कोई ना कोई पाप करें, ताकि पाप के द्वारा वो शक आपकी जिंदगी में बढ़ा और वो मृत्यु को पैदा करे और आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर की आशीष है उसे वो व्यर्थ कर दे। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? अपनी बाइबल साथ लेके आओ अगर आप अब परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो। ये वो टाइम चर्च में आ चुका है जब आपने परमेश्वर के कामों को शरेआम आप देख रहे हैं अभी, और अभी वो टाइम है जब आपने बाइबल को लेके आना है, कॉपी और पेन को लेके आना और वचन को नोट करना है और आपने पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पे लगाना है, ताकि जो चमत्कार आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, जो आशीष आपकी जिंदगी में आ रही है हमेशा बनी रहे और आप उस आशीष को इस्तेमाल कर सकें परमेश्वर के लिए। प्रकाशित वाक्य खोलेंगे सब जन, नए नियम में आखिरी पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सहली। इस कारण सब कलीसिया कहे आमीन, सब कहे आमीन। अगर आप 10 आयत को ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा, मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि हमारे परमेश्वर का उद्धार सामर्थ राज्य और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि भाइयों पे दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था वो गिरा दिया गया। जब परमेश्वर ने बोला था अय्यूब को कि अय्यूब मेरा भय मानने वाला, मेरा डर मानने वाला इंसान है, शैतान क्या तूने देखा कि अय्यूब के जैसा मेरा डर मानने वाला इंसान, बुराई से दूर रहने वाला इंसान और खरा इंसान इस पृथ्वी में और कोई भी नहीं है। शैतान ने दोष लगा दिया, वो आप पे दोष लगाता है परमेश्वर के सामने, कहता अय्यूब छीन उसकी आशीष और तुझे बताएगा अय्यूब की वो तुझसे प्रेम करता है कि तेरी आशीष से प्रेम करता है, छीन उसके बच्चों को वो अय्यूब तुझे बताएगा कि वो अपने बच्चों से प्यार करता है, बच्चों के कारण तुझे प्यार करता है कि वो सचमुच तुझसे प्यार करता है। और बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने शैतान को कहा जा शैतान अब तू परख सकता है अय्यूब को, बाइबल में लिखा अय्यूब के बच्चे मर गए, अय्यूब की प्रॉपर्टी चली गई, अय्यूब को बीमारी हो गई, अय्यूब का सब कुछ चला गया और अय्यूब अपने मुंह से ये बोलता है जिस परमेश्वर ने दिया था उसी परमेश्वर ने वापिस ले लिया, उसी का नाम धन्य हो, आमीन। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका युद्ध किसके साथ है तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। बाइबल में लिखा शैतान भाइयों पे दोष लगाने वाला हर वक्त वो परमेश्वर के सामने आप पे दोष लगाता, आप जानते हैं हर वक्त वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहते हैं और दोष लगाता है कि ये बड़ा हालेलुया हालेलुया बोल रहा है, इसको इसकी इसकी चंगाई को वापस ले लो। अब देखो हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, ये बड़ा बड़ी गवाहियां दे रहा है, इसको थोड़ा सा छू परमेश्वर, देख तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा, देख इसकी प्रार्थना कम होती, देख इसके रोजे कम होते, देख ये चर्च में जाना बंद करता है, इसकी प्रार्थना का उत्तर ना दे तू। और बाइबल में लिखा परमेश्वर कई बार बोलता है शैतान जा तू जो तू तेरे दिल में आता तू कर ले। लेकिन अब प्रॉब्लम ये विश्वासी कैसे जीते, अगली आयत में लिखा है वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में,
लेकिन बाइबल में लिखा अपनी गवाही के वचन के कारण अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो गवाही दे, रोज गवाही दे, जो प्रभु ने तेरे जीवन में किया उसकी रोज गवाही दे और तू जीतेगा यीशु मसीह के नाम में, आमेन। जब मेरे को आज भी याद है, जब मैंने बहुत शुरू शुरू से चंगियाई पाई थी परमेश्वर से अपने मेंटली अपसेट के दौरों की, जब भी तब मैं बिजनेस था, बिजनेस में जाता था लोगों से, हमारा जो होलसेल का बिजनेस दुकानदारों से पैसे इकट्ठे करने के लिए शाम को जब मैं निकलता था उग्राई के लिए, तो मैं दुकानदार को गवाही देना भूलता नहीं था। कोई भी मुझे मिल जाए मैं गवाही देना नहीं भूलता था कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया। एक बात मैं आपको बताता हूं, जितने लोगों ने बड़ा चमत्कार लिया है परमेश्वर संडे या कभी भी इस मिनिस्ट्री में लगातार जो बड़े चमत्कार को ग्रहण कर रहे हैं, अगर आप रोज अपनी गवाही दें आपका चमत्कार कभी भी मरेगा नहीं। अगर आप रोज अपने चमत्कार जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किया है अगर आप रोज उसकी गवाही देना शुरू कर देंगे तो शैतान आपकी जिंदगी से हमेशा शर्मिंदा रहेगा। मुझे परमेश्वर के वचन से बताया गया था कि भाइयों पे दोष लगाने वाला शैतान वो हमेशा ये दोष लगाता है आपके जीवन पे कि परमेश्वर ये लोग तुझसे प्यार नहीं करते, ये तेरी आशीष से प्यार करते हैं, ये तेरे पास नहीं आए ये चंगे होने के लिए आए, ये तेरे पास नहीं आए ये बरकत लेने के लिए आए, अगर तू उसे बरकत नहीं देगा ये तेरे पास नहीं आएगा। परमेश्वर का जवाब उन लोगों के लिए नहीं जो जल्दी में है, परमेश्वर का जवाब उन लोगों के लिए नहीं जो जल्दी में है। जब मुझे इस बात की समझ आई थी तो मैंने रोज परमेश्वर के नाम में अपनी गवाही को देना शुरू किया, रोज रोज रोज। एक भी दिन ऐसा मुझे याद नहीं कि जब मैंने किसी को अपनी गवाही नहीं दी हो, एक भी दिन मुझे ऐसा याद नहीं जब मैंने किसी से यीशु मसीह के बारे में बात ना की हो कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या काम किया। कहीं भी मैं जाता था यीशु मसीह के बारे में बात करना और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया, मैं उस बारे में बताने से कभी चूकता नहीं था, क्योंकि बाइबल के वचनों को शुरू से मैं जानता था कि बाइबल में लिखा है वो मेमने के लहू के कारण, यानी यीशु मसीह के लहू के कारण जो उसने हमारे लिए बहाया, और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान पर उन्होंने फतह पाई। अगर आप दाऊद को ध्यान से देखो, अगर आप किसी के भी जीवन को ध्यान से देखो, वो कभी भी एक झटके में राजे नहीं बने। यीशु मसीह के जीवन को देखो, एकदम से यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा करना शुरू नहीं कर दिया। अगर आप प्रेरितों के काम में उस चेलों के जीवन को देखो तो एकदम से बड़े काम उनके मिनिस्ट्री में होने शुरू नहीं हुए, उन्होंने हर बात की गवाही दी जो परमेश्वर ने छोटे काम किए, और एक दिन आया जब लंगड़े भी चले, जब अंधों ने भी देखा, और बड़े काम उनकी सेवकाई उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने किए, आमेन। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें, जब दाऊद गोलियत के सामने गया था तो उसने अपनी गवाही दी, जब दाऊद उसके सामने शाऊल राजा के सामने गया तो उसने अपनी गवाही दी, जब दाऊद शाऊल के सामने गया, शाऊल को किसने बताया, राजा कोई लड़का है बाहर, यंग सा लड़का, वो कहता है कि उस पलिश्ती उस गोलियत को मैं मार दूंगा, कहता राजा बातें बड़ी अच्छी कर रहा है, उसको सुनना चाहते हो तुम, बातें बहुत अच्छी कर रहा है लेकिन शक्ल से लगता नहीं वो मारेगा उसको। और बाइबल में लिखा राजा ने कहा उसे लेके आओ, वो इतना छोटा था कि जब उसको राजे का टोप और उसके राजे की तलवार और कपड़े पहनाए गए उससे चल भी नहीं हो रहा था, वो इतना यंग लड़का था। लेकिन जो राजे को उसने बोला वो सब नहीं बोल सकते, उसने राजे को बोला राजा जब मैं शेर मेरी भेड़ बकरियों में से मेरी बकरी को लेकर चुरा के लेके जाता था, मैं शेर को उसके केशों से पकड़ के उसके मुंह पे हाथ डाल के मार डालता था, जब भालू लेके जाता था मैं भालू को मार देता था। कैसा कहता, जैसे परमेश्वर ने शेर और भालू को मेरे हाथों से मरवाया ये गोलियत भी मेरे हाथों से मरेगा, आमेन। उसके अंदर एक गवाही की आत्मा थी, उसको पता था गवाही देने का मतलब क्या है। आप में से मैं श्योर बताता हूं, आप में से 1% भी लोग ऐसे नहीं है जिनको गवाही देने का असर पता हो। मैं सीरियसली बोल रहा हूं आपको, कुछ बातें ऐसी मैं पुलपट पे आपको बता नहीं सकता, पौलुस ने लिखा कुछ बातें ऐसी मैं बाइबल में लिख नहीं सकता, कुछ बातें ऐसी हैं जो केवल पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है करने के लिए, उसको मैं आपको यहां पे नहीं बता सकता, उसके लिए परमेश्वर के साथ आपका संबंध होना बहुत जरूरी है। जब दाऊद गोलियत के सामने गया, उस शाऊल के सामने गया, राजे के सामने, उसने कहा राजा मैंने शेर को मारा है, मैंने भालू को मारा है, जो परमेश्वर शेर और भालू से मुझे बचाने की ताकत रखता है वो परमेश्वर आज मुझे गोलियत को भी उसके हाथों से बचाने की ताकत रखता है। जिस परमेश्वर ने याद करो आपकी जिंदगी में पहली चंगाई दी थी क्या वो दूसरी नहीं देगा, जिसने छोटा काम किया था क्या वो बड़ा काम नहीं करेगा, जो इस मुर्दे को इस 40 साल के लंगड़े को चंगा कर सकता है क्या वो आपकी जिंदगी को चंगा नहीं कर सकता।
लेकिन बात यह, हमें अपनी गवाही को इस्तेमाल करना नहीं आता। हम लोग भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे पिछले जीवन में किया है, और उसको भूल के हम उस चीज को याद रख लेते हैं जो अब तक परमेश्वर ने हमें नहीं किया, और जब हम वही याद करते रहते जो परमेश्वर ने अब तक नहीं किया, एक दिन विश्वास में फिसल जाते हैं। शक शैतान का विश्वास है। शक्की व्यक्ति बाइबल में लिखा है उस समुद्र की लहर की तरह, जो आज से करोड़ों साल पहले भी आती थी, टकराती थी और वापस चली जाती थी, और आज भी टकराती और वापस चली जाती, कोई काम नहीं करती, बस वही करती सारा दिन। लिखा दो चित्ता इंसान उसी तरह परमेश्वर से कुछ नहीं ले पाएगा। हालेलुया। अगर एक घड़े में पानी भर के नीचे शेक कर दो तो पानी थोड़े दिन के लिए है उसके अंदर, थोड़ी घंटे के लिए है उसके अंदर। पाप वो शेद है जो बड़ी बड़ी सामर्थ को खाली कर देता आपके जीवन से, बड़े दर्शनों को जो खत्म कर देता। परमेश्वर ने बाइबल में ये नहीं लिखा कि शैतान की वजह से लोग नाश होते हैं, परमेश्वर ने बाइबल में ये लिखा कि मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आमेन। ऐसी चंगियाइयां, कुछ ऐसी बरकतें आपके जीवन में पवित्रताई के द्वारा आती हैं जो किसी भी चीज के द्वारा नहीं आती। अगर पवित्रता ही आपकी जिंदगी में, मैं आपको लिख के दे देता हूं, आपके घरों में साइन कर दूंगा मैं उसके नीचे, आप कभी भी अपनी जिंदगी को डाउन नहीं देखेंगे। आप कभी नहीं कहेंगे 2012 में ऐसा था, 13 में थोड़ा कम हो गया। आप हमेशा कहेंगे जब से मैं जीवित हूं और परमेश्वर में हूं, मैं बढ़ता जा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बाइबल का वचन ना कभी टला ना टलेगा। बाइबल में एक बात लिखी, कहता धर्मी जिस तरह सूर्य जब उगता है तो दोपहर तक वो बढ़ता जाता है और उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। लेकिन धर्मी उस सूरज की तरह उसका प्रकाश बढ़ता जाएगा। कभी सूरज को नीचे आते देखा? जिस दिन सूर्य को नीचे आता देख लोगे, उस दिन कहना कि हाँ मैं डाउन हो सकता हूं। आप कभी डाउन नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसता है और आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, कहीं बाइबल में यह नहीं लिखा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अय्यूब इस बात पे परमेश्वर पे जाता कि परमेश्वर बाइबल में ये लिखा हुआ है कि धर्मी का वंश तू बचाएगा, तो मेरे वंश को तूने बचाया क्यों नहीं, तू मर क्यों गया? बाइबल में ये लिखा है परमेश्वर कि तू मेरा चरवाहा, मुझे घटी नहीं होगी, लेकिन आज मेरा शरीर मेरे साथ नहीं है, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरा बिजनेस टूट गया, लूट गया, लोग सब कुछ ले गए। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसका जवाब नहीं दिया जब तक उस परीक्षा से वो निकल नहीं गया। जब वो भाई बता रहा था दूत मेरे सपने में आए, मैं आपको दूतों के बारे में बताता हूं, जब भी आप टेस्ट पास करेंगे दूत आपकी जिंदगी में आएंगे। जब यीशु मसीह ने टेस्ट पास किया, बाइबल में लिखा जब 40 रोजों के बाद शैतान ने परखा और परमेश्वर ने वचन के बीच से उत्तर दिया, तो लिखा कुछ दूत आसमान से उतरे और परमेश्वर की सेवा करने लगे। दूत आना आपकी जिंदगी में यह प्रूफ करता है कि आपने अपने टेस्टों को पास कर दिया है, प्रमोशन के लिए तैयार हो जाओ। आमेन। दूत का नजर आना यह मतलब है कि आपने टेस्ट पास कर लिए। जब भी आप टेस्ट पास करेंगे, दूत आपके जीवन में होंगे और प्रमोशन आपकी जिंदगी में होगी और प्रमोशन आपकी सेवकाई में होगी। अगर आप इस सेवकाई को शुरू से देखो तो आप देख रहे हो सामर्थ हर हफ्ते बढ़ रही है, हर हफ्ते काम बढ़ रहे हैं, हर हफ्ते हम नए नए चीजों को परमेश्वर में देखते जा रहे हैं, और आप हैरान नहीं है, मैं खुद भी हैरान हूं परमेश्वर से, क्योंकि जिस वचन पे मैं खड़ा हूं शुरू से कि अगर आपकी जिंदगी में पवित्रता ही नहीं गई तो आप बड़े कामों को बढ़ते हुए देखेंगे अपनी जिंदगी में। आमेन। अगर आपकी जिंदगी में पवित्रता ही है, अब चाहे वो गरीबी 300 साल से आपके परिवार में चलती आ रही है, आप पहले शख्स होंगे जो अमीरी में होंगे। अगर वो कर्ज आपके परिवार में 300 साल से चलता आ रहा है, आप पहले जन होंगे जो श्राप से आजाद होंगे। परमेश्वर का वचन अगर आपकी जिंदगी में, अगर आप रोज बाइबल को पढ़ते हैं, आप रोज वचन को पढ़ते हैं, आपने अपनी जिंदगी में पवित्रता को रखा हुआ है, आप बुरे समय में जब भाइयों पे दोष लगाने वाला शैतान, लिखा वो गिरा दिया गया, अभी वो गिराया नहीं गया, ये प्रकाशित वाक्य बोल रहा है, अभी ये समय आना बाकी है। ये परमेश्वर ने हमें प्रकाशित वाक्य यानी आने वाली पुस्तक है। ये बाइबल में एक ऐसी पुस्तक है जिसको परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि अगर तू मानेगा तो तू आशीषित होगा। प्रभु ने कहा अगर तू पढ़ेगा तो तू आशीषित होगा। आपको पता है ये बात? बाइबल में एक ही पुस्तक ऐसी है, लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य। मान लो किसी दिन आपको आशीष चाहिए, आप कहते परमेश्वर आज मुझे आशीष चाहिए, सिर्फ प्रकाशित वाक्य पढ़ लो, आप आशीषित हो जाओगे।
उसमें लिखा कि धन्य वो जो इस पुस्तक को पढ़ते हैं, इस भविष्यवाणी की बातों को सुनते हैं। आशीष लेना आसान है लेकिन हमें पता नहीं मिलती कैसे। अगर किसी दिन आपको आशीष चाहिए, समझो आज रात को आपने आपको आशीष चाहिए, आप इस पुस्तक को पढ़ लो, आप आशीषित हो जाओगे। आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं। एक परमेश्वर ने नहीं कहा इसको पढ़ना और मानना और अपनी जिंदगी में लागू करना तो तू आशीषित हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है आप उसे मान नहीं सकते क्योंकि वो आने वाली बातें हैं। जो परमेश्वर जो होना है परमेश्वर ने वो सारा पहले लिखा हुआ है कि इस दुनिया में वर्ल्ड वार होनी है, अभी अभी परमाणु युद्ध होने हैं। आप देखेंगे परमाणु युद्ध को होते हुए थोड़े सालों के अंदर अंदर आप देखेंगे परमाणु बम गिरे देशों पे। आप देखेंगे ऐसे परमाणु बम गिरने वाले आज तक नहीं गिरे इस दुनिया में। जो पहले गिरे थे वो आपको आपको बिजली बम लगे सामने। मैं सीरियसली कह रहा हूं, अगर आपको आशीष चाहिए तो प्रकाशित वाक्य पढ़ लेना घर जाके, उसी टाइम आशीष आपकी होगी। आमीन। अगर वचन के साथ आपका प्रेम बन गया और लगाव बन गया और आपको समझ आ गई कि वचन जिसके अंदर है वो कभी मरता नहीं। अगर किसी के अंदर वचन चला गया तो उसका बिजनेस कभी नहीं मरेगा। अगर उसके अंदर वचन चला गया सेवकाई कभी नहीं मरेगी। अगर उसके अंदर वचन चला गया वो परमेश्वर की आशीष जो उसने पा ली है वो कभी नहीं मरेगी। उसके वचन में जीवन देने वाली ताकत है। आमीन। परमेश्वर ने कहा जा और फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। ऐसा ना हो जब आप बड़ी सेवकाइयों को हमारे चर्च में, हम प्रॉब्लम कहाँ हम फेस करते हैं, हम बड़ी सेवकाइयों को सिर्फ पर्दे पे देखते हैं, हम सिर्फ टीवी पे देखते हैं बेनी हिन जी को, और जब मैं उनके अंदर जाके देखता हूँ तो चंगियाई एक दिन में होती लेकिन चंगियाई को संभालने के लिए जो वो मीटिंग्स करते हैं उनको आप सोच भी नहीं सकते। फिर वो वचन पे जो ध्यान लगाते हैं दुनिया का कि वचन को पढ़ो अगर चंगियाई को परमानेंट अपनी जिंदगी में रखना है, अब तूने वचन को लगातार पढ़ना है और सिर्फ पाप से दूर रहना है और तेरे साथ भला होगा। हालेलुया। जब आज से 20 साल पहले जो लोगों ने एड्स से चंगियाई पाई थी, अगर मैं आज उनको देखता हूं तो उनके चेहरे पहले से ज्यादा सुंदर हो चुके हैं और पहले से ज्यादा जवान लगते हैं 20 साल बाद, क्योंकि उन्होंने वचन को संभाल के रखा अपने अंदर। उन्होंने कन्फेस किया कि हम पाप की वजह से बीमारियों में गए, परमेश्वर तो अगर हमें चंगा करे हम पाप में कभी वापस नहीं जाएंगे। क्यों परमेश्वर चमत्कार कर रहा है? यह दिखाने के लिए नहीं कि परमेश्वर सिर्फ चंगा करता है, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर चंगा कर रहा है इसलिए कि जो वचन बाइबल में लिखा हुआ है उसको अपनी जिंदगी का आप हिस्सा बनाएं, परमेश्वर की पवित्रता को अपनाएं और पाप से दूर रहें और परमेश्वर के सामने जाएं। ये नहीं आपके जो क्रची छूट गए तो सबसे पहले आप ठेके पे जाए, ठेके वाले पूछे भाई 15 मिनट जल्दी आ गए, बोले हाँ अभी क्रची चर्च में गया था पौड़ियां छूट गई आज मैं भाग के आया हूं पीने के लिए। हालेलुया। और रास्ते में स्तुति करता हुआ जा रहा है, प्रभु तेरी स्तुति हो आज पौआ जल्दी पीने जा रहा हूं। हालेलुया। पाप के लिए परमेश्वर के पास कोई जगह नहीं। अगर आपको वो पसंद नहीं कि ये मेरी जिंदगी में हो तो वो मत करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं। अगर गरीबी पसंद नहीं तो वो मत करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं। अगर बीमारी पसंद नहीं वो मत करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं। कितनों को समझ आ रही है आज मेरी बातें? वचन पे ध्यान रखना, वचन को रोज पढ़ना और वचन को अपनी जिंदगी का खास हिस्सा बनाना, ये आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। आमीन। बाइबल में लिखा पौलुस ने कहा कि जो प्रचार मैं कर रहा हूं ये चमत्कार उसका एक रीजन है कि ये चमत्कार इसलिए हो रहे हैं कि आपको ये विश्वास हो कि जो प्रचार किया जा रहा है वो जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको बोल रहे हैं पापों से निकलने के लिए और लोगों को सुसमाचार आप जाके दें और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह जी उठे। चंगाई इसलिए नहीं है कि आप जाएं और अपनी फिर उन्हीं संसारिक चीजों का आप संसारिक चीजों में घूम जाएं और परमेश्वर से दूर हो जाएं। चंगियाई इसलिए कि आप फेथ कर सके कि हाँ पवित्रता ही परमेश्वर की ओर से है, हाँ मैंने पाप से अब दूर रहना है, हाँ मैंने अब परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाना है, हाँ मैंने परमेश्वर के उन सारे कामों और वचनों की ओर ध्यान देना जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोले थे। आमीन।